जय भीम फ्रेंड, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अंबेडकर राइट ऑब्जर्वेशन। ना किसी को चिढ़ाना ना नफरत बढ़ाना, मिशन है हमारा सिर्फ इंसानियत फैलाना। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धा इज मोर पॉपुलर इन द वर्ल्ड देन रामा एंड कृष्णा। बुद्ध दुनिया में राम और कृष्ण से ज्यादा लोकप्रिय है। बुद्ध जयंती पूरे दुनिया में मनाई जाती है। बुद्ध जयंती बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाई जाती है। बुद्ध जयंती बुद्धास बर्थडे के नाम से मनाई जाती है। पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं राम और कृष्ण की, तो भारत के हिंदू दुनिया में जहां कहा हो वहां पे वो लोग रामनवमी और गोपाल अष्टमी मनाते हैं। पर दुनिया के अलग अलग देश के लोग रामनवमी और गोपाल अष्टमी नहीं मनाते, जबकि बुद्ध पूर्णिमा बुद्धास बर्थडे पूरे दुनिया के अलग अलग देश के लोग सेलिब्रेट करते हैं। यह बुद्धा की एक्सेप्टेंसी है। बुद्धा को पूरे दुनिया ने स्वीकार किया है। बुद्धा के विचार को पूरे दुनिया ने स्वीकार किया है, जबकि राम और कृष्ण इनके विचार को पूरे दुनिया ने नहीं स्वीकार किया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं ने स्वीकार किया है। और यह हिंदू पूरे दुनिया में फैलने के वजह से वहां पे लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर उस देश के लोग रामनवमी गोपाल अष्टमी सेलिब्रेट नहीं करते। बुद्ध का महत्व जानना है, बुद्ध का इंपॉर्टेंस जानना है पूरे विश्व में, तो आपको विश्व में बुद्ध जयंती पर, बुद्ध पूर्णिमा पर, बुद्ध बर्थडे पर क्या किया जाता है, यह बात आपको समझनी होगी। दोस्तों, मैं आपको कुछ लिस्ट बताऊंगा जिस देश में बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध बर्थडे के दिन नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे दिया जाता है। उस देश में आता है कंबोडिया। कंबोडिया में पब्लिक हॉलीडे होता है। चाइना में पब्लिक हॉलीडे होता है। हांगकांग में पब्लिक हॉलीडे होता है। इंडोनेशिया में पब्लिक हॉलीडे होता है। मलेशिया में पब्लिक हॉलीडे होता है। मंगोलिया में पब्लिक हॉलीडे होता है। म्यांमार में पब्लिक हॉलीडे होता है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में पब्लिक हॉलीडे होता है। सिंगापुर में पब्लिक हॉलीडे होता है। श्रीलंका में पब्लिक हॉलीडे होता है। ताइवान में पब्लिक हॉलीडे होता है। थाईलैंड में पब्लिक हॉलीडे होता है। वियतनाम में पब्लिक हॉलीडे होता है। नेपाल में बड़े पैमाने पर बुद्ध जयंती सेलिब्रेट की जाती है। जापान में बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर मैं पूरी की पूरी लिस्ट आपको पढ़ के दिखाऊं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। पूरे दुनिया में बुद्ध का इंपॉर्टेंस क्या है, यह आपको नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे वो लोग डिक्लेयर कर रहे, इससे आपको पता चलता होगा क्या जरूरत है उन्हें बुद्धा बर्थडे के दिन नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करने की, क्योंकि उनके देश में बुद्धस फिलोसॉफी का इंपॉर्टेंस है, बुद्ध के तत्वज्ञान का उनके देश में इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, अगर मैं वेस्टर्न कंट्री की बात करूं, यूरोपियन कंट्री की बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। कनाडा में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। यूएसए में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। ब्राजील में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। और यह बुद्ध जयंती कोई इंडियन लोग नहीं मना रहे, बल्कि ऑस्ट्रियन लोग मना रहे हैं, ब्राजीलियन मना रहे हैं, कैनेडियन मना रहे हैं, अमेरिकन लोग मना रहे हैं। तो देखिए, आप रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी को कंपेयर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि रामनवमी भारत के हिंदू लोग वहां पर मना रहे हैं, पर बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, बुद्धास बर्थडे जो सेलिब्रेट कर रहे वो अलग अलग देश के अलग अलग लोग सेलिब्रेट कर रहे, ना कि सिर्फ इंडियन लोग सेलिब्रेट कर रहे। तो यह इंपॉर्टेंस है, यह बुद्धा की महिमा है, यह बुद्धा का विचार है जो पूरे दुनिया ने स्वीकारा हुआ विचार है। अब कुछ लोग के दिमाग में यह सवाल आएगा कि तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो, बुद्धा अपने जगह पे सही है, राम अपने जगह पे सही है, कृष्ण अपने जगह पे सही है। दोस्तों, ये बात आपकी भी सही है कि वो सब अपने अपने जगह पे सही है, पर यह बात को मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि भारत में विश्व गुरु बनने की बात चल रही है। विश्व गुरु कैसे बना जा सकता है, जब हमारे देश का कोई इंसान, कोई भगवान, कोई फिलोसॉफी को पूरे विश्व ने स्वीकारा हो, उसी विचार को हम भारत में पूरी तरह से लागू कर दे। यानी राम और कृष्ण को पूरी दुनिया ने नहीं स्वीकारा है, जबकि बुद्ध को पूरी दुनिया ने स्वीकारा है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनने की जरूरत है। जब भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा तब हम विश्व गुरु बन पाएंगे। राम और कृष्ण को दुनिया ने स्वीकारा ही नहीं और हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे, कैसे पॉसिबल है, जबकि राम और कृष्ण बुद्ध से भी पुराने हैं ऐसा कहा जाता है। पर क्यों राम और कृष्ण को पूरे विश्व ने नहीं स्वीकृत किया, क्यों उनके तत्वों को, उनके फिलोसॉफी को पूरे विश्व ने नहीं स्वीकृत किया, जबकि बुद्ध के तत्वों को पूरे विश्व ने स्वीकृत किया। वहां पे नेशनल हॉलीडे दे रहे, पब्लिक हॉलीडे दे रहे, इसका मतलब बुद्ध का इंपॉर्टेंस कितना है।
इसलिए हमारे भारत देश को भी प्रबुद्ध भारत बनने की जरूरत है, तब जाकर हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख सकते हैं। भारत के हिंदू पूरे विश्व में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में लगे पड़े हैं। यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, वेस्टर्न कंट्रीज में, हर जगह पे वो लोग मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद हिंदू धर्म का विचार फैल नहीं पा रहा है। किसी देश में रामनवमी के दिन पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे मिला है, ऐसा कभी सुनने को आया है? या कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी देश ने पब्लिक हॉलीडे दिया है, ऐसा हमें कभी सुनने को नहीं मिला है। भव्य दिव्य निर्माण मंदिर का निर्माण तो हर देश में वो लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद ये धर्म फैल नहीं पा रहा है। इस धर्म को दुनिया ने रिजेक्ट किया है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना पड़ेगा अगर हमें विश्व गुरु बनना है। तो विश्व गुरु की बात करते हो इसलिए इस टॉपिक को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अदरवाइज इस टॉपिक को प्रेजेंट करने की मुझे जरूरत नहीं थी। अगर विश्व गुरु बनना है तो राम और कृष्ण को लेकर हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। विश्व गुरु बनना है तो हमें बुद्धा को लेकर विश्व गुरु बनना होगा, क्योंकि बुद्धा को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है, उनके शांति के संदेश को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है, उनके मानवतावादी विचार को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। बुद्धा का धम्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सात समंदर पार जाकर पूरे विश्व में वो फैल चुका है। जबकि मैं भगवत गीता और रामायण की बात करूं तो भगवत गीता और रामायण सात समंदर पार जाकर भी स्ट्रगल कर रही है पूरे दुनिया में फैलने के लिए। आज तक फैल नहीं पाई है पूरी दुनिया में, उसका विचार स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। जबकि बुद्धा एंड इस धम्म का विचार पूरी दुनिया में स्वीकृत किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे फिर से कहूंगा कि हमें प्रबुद्ध भारत बनने की जरूरत है, तब जाकर हम पूरे विश्व को बुद्ध का मार्ग बता पाए, ये बुद्ध का विचार ठीक ठाक से बता पाएंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके पास इस विषय में कुछ ज्ञान हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख सकते हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में एक बेल आइकॉन है उस पर ऑल पे क्लिक लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।